कॉमन सेंस काम कर या नहीं कर रहा? बस थोड़ा थोड़ा कॉमन, तो सेंस तो कॉमन लोगों में नहीं है, तो मैं कॉमन जो नहीं हूँ इसीलिए कॉमन सेंस को इतनी खास नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बस काम कर रहे हैं। आप लोग तो काफी सख्त सवाल करते हो, तो अभी अल्लाह खैर करे। कौन सा चीज जो है आपका लेकिन इस्तेमाल दूसरे लोग कर रहे हैं? नाम ही तो इस्तेमाल, बाकी चीजें तो वैसे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो फेसबुक अकाउंट है, ये तो नाम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो, खैरियत से हो? मैं हूँ मोहम्मद इब्रार और मेरे साथ है लाल मोहम्मद हमेशा की तरह। और आज संडे का दिन है, आज हम एक बहुत ही प्यारी जगह पर आए हैं। बहुत अरसे बाद मैं तो आया हूँ, 2018 के बाद आया हूँ मैं तो। आपको कैसी लगी? अच्छी है? बहुत ही अच्छी जगह है माशाल्लाह। और इसका नाम सुन के कैसा लगा? इसका नाम सुन के कैसा लगा? नाम इसका बहुत ही अजीब है, दो नाम है इसके, एक नाम थोड़ी है। एक नाम है इसका क्वेटा लाइब्रेरी और दूसरा लाल मोहम्मद बताएगा। दूसरा नाम बताओ। हाँ बताओ, इसका बताओ। बताओ, बुरा तो नहीं लगेगा? मुझे तो नहीं, मैं तो इसको बोलता हूँ। बहुत ही प्यारा नाम है, इसका नाम है चर्सी पार्क। जी, और इसका नाम क्यों है चर्सी पार्क, ये जानते हो? ये इसलिए कि यहाँ पर दार वाले यहाँ पर आते हैं चर्स पीने के लिए। जी जी, अभी भी खुशबू आ रही है मुझे काफी जगह पर। मुझे भी तो यही इसी तरह लग रहा है, बहुत सारे बेचारे यहाँ पर सो रहे, जलील हो रहे यहाँ पर जी। तो खुदा रहे चर्स मत से इसको गुम करो इस नशे। बहुत प्यारी जगह है वैसे, जगह तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन यहाँ पर जो चर्सी लोग आते हैं तो बहुत ही काम खराब कर दिए। जी, लोगों को मगफिरत करे, हिदायत दे रहे कि ये चर्च वर्स नहीं करे। ये जो है ना लियाकत पार्क के बिल्कुल सामने अपोजिट ये पार्क है, और अभी हम जा रहे हैं हन्ना झील की तरफ। थोड़ा सा आपको मैंने बोला ये पार्क दिखा दूँ, बहुत ही प्यारी जगह, ये देखिए कितनी प्यारी जगह है। और यहाँ पर जो कल्चरल डे है ना, पश्तून कल्चरल डे, वो भी यहाँ पर होता है, आपको पता है? जी जी पता है, अहमद खान भी कभी कभार यहाँ पर आता है। जी जी, जब वो आया तो मैं भी इधर था। अच्छा, कैसे एंजॉय किया? नहीं किया बहुत ज़्यादा इधर। ये जगह तो बहुत प्यारी ही, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये चर्सी की वजह से ये बदनाम है थोड़ा, लेकिन जगह तो बहुत प्यारे है माशाल्लाह। यहाँ पर जो है ना स्टॉल वगैरह लगते हैं, मेरी एक वीडियो भी थी इस पर मैंने बनाई थी, यहाँ पर सारे स्टॉल लगते हैं। और काफ़ी अच्छी जगह इसमें एक्चुअली में ये जो जगह है ये है मेट्रोपोलिटन है ना। जी जी, मेट्रोपोलिटन की जगह है ये, जो कचरा उठाते हैं ना क्वेटा से। अभी चलें फिर लाल मोहम्मद? हाँ चलो चलते हैं, फिर चलते हैं नजीर भी इन फ्रेंड्स को दिखाते हैं। गाड़ी किधर खड़ी की है? गाड़ी तो सामने खड़ी की है। एक तो पेट्रोल बहुत खाती है ये, बस क्या करें महंगाई है, पेट्रोल नहीं खाता इतना। लैंड क्रूजर सही थी यार, लैंड क्रूजर तो इससे भी ज़्यादा खाती है। हाँ पिछली बार हम लोग उस पर गए थे, लेकिन अभी ज़रा आपको पता है पेट्रोल का रेट क्या चल गया है। जी जी, रेट बहुत बढ़ गया है। चलो फिर चलते हैं, हम गाड़ी स्टार्ट करो ज़रा। ठीक है मेहरबान। कैसे हो दोस्तों? ठीक हो? हम लोग फाइनली पहुंच गए हन्ना झील में, और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा रश है, आप लोग देख रहे हैं। ये देखें, क्या ख्याल है लाल मोहम्मद, आज रश है या नहीं है? इस साइड पर रश नहीं, उस साइड पर बहुत रश। जी जी, उस तरफ बहुत है, बहुत ज़्यादा फैमिलीज आई हुई ना आज। संडे का दिन है तो सारे फैमिलीज ही आएंगे। इस जगह की क्या खास बात है, लोग आते हैं इधर बहुत ज़्यादा? इस जगह का तो बहुत ही खास जगह। क्या चीज़ खास बात जो है इसमें? सारे खास है। हाँ एक खास बात, खास जुड़ा लगा हुआ। हाँ बहुत ही खास। सरिया पार्क में भी इस तरह का लगा हुआ है? और कैसे फ्रेश हो गए फिर? हाँ हाँ फ्रेश हो गए फिर? बस फ्रेश हो गए थोड़ा। अच्छा देखो माशाल्लाह कैसा रश, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। अस्सलाम वालेकुम चित्रा से व्यूअर्स, खुब हसन बखैर हसन खाना खैर तीसरा इमरोज़ मोहम्मद बहान जील अज चंद बच्चों और चंद मरदूम कम सवाल अस हम कमन से सवाल अस हमारा आज मैं पूछा कि याद दा रहा या ना दा रहा। सो आया मेरे माली आज एक चंद तब पसंद में करीम कि नाची जवाब में था तो सही से कैसा लाल मोहम्मद ये सलाह से तस्वीर कैसा आई? बहुत ही ज़बरदस्त तस्वीर है भैया। अच्छा मैंने बहुत अच्छी तस्वीरें ली वैसे। आप तो भाई फोटोग्राफर हो भाई। मैं अभी मैं वीडियो में लगा देता हूँ, फिर लोगों से पूछते हैं भाई
جی بھائی بتا دو کون سا پیچھا اچھا ہے کون سا اچھا ہے ٹھیک ہے میں نمبر بھی لکھ دوں گا پھر اس میں بتا دینا یہ کون سا اچھا ہے فکس کر ہاں چلو فکس کمپٹیشن چل رہا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام سر کیسے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک الحمد للہ کنوینسنس کام کر یا نہیں کر رہے بس تھوڑا تھوڑا تو جو میں سوال پوچھنے جا رہا ہوں آپ اس کا جواب دے سکتے ہو ضرور اگر آتا تو ضرور دے دوں گا وہ کون سا چیز ہے جو ہے آپ کا استعمال دوسرے لوگ کرتے ہیں یہ تو نام ہے ماشاء اللہ صحیح ہے وہ کون سا چیز مثال کے طور پر ایک مرغا ہے آپ کے ہمسائے کے گھر پر گیا تو اس مرغے نے انڈا دے دیا تو انڈا آپ کا ہو گیا آپ کے ہمسائے کا ہو گیا مرغا ہمارا ہے مرغا آپ کا ہے آپ کے ہمسائے کے گھر پر گیا تو اس نے انڈا دے دیا انڈا آپ کا ہو گیا آپ کے ہمسائے کا ہو گیا یہ انڈا تو ہمارا ہوگا نا بھائی مرغا کدھر سے انڈا دیتا ہے جی بھائی تو پھر یہ تیسرا سوال میرا یہ ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی لکڑی نہیں ہوتی کون سا درخت ہے جس کی لکڑی نہیں ہوتی جس کی لکڑی نہیں ہوتی جی بھائی وہ پھول درخت ہے درخت ہے نیت آپشن ایک کیلے کا ہے دوسرے تربوز کا ہے تیسرا سیب کا ہے نہیں یہ ہے تو تربوز کیلے کا ہے کیلے کا ہے ٹھیک ہے مہربانی ادھر پہلے پانی تھا میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک پچھلی ویڈیو میں شاید آپ کو یاد ہوں ابھی وہ سارا ختم ہو گیا لال محمد آپ تو بول رہے تھے یہ بہت گہرا ہے گہرا تو ہے لیکن یہ جگہ نہیں وہ جگہ جو آپ دکھائی دے وہ بہت ہی گہرا ہے ادھر پانی ہے میرا خیال تھوڑا سا بہت ہی زیادہ پانی ہے ادھر وہ گہرا بھی ہے یہاں پر بھی میرا خیال وہ ہے دلدل جس کو بولتے ہیں دلدل کیا مطلب اس کے نیچے وہ نرم مٹی ہے جی جی ہے السلام علیکم کیسے ہو بھائی آپ ٹھیک ہو اللہ کیسا آنے آپ کا نام کیا ہے بھائی شمس اللہ کامن سینس کیسے ٹھیک ہے یعنی کامن تو سینس تو کامن لوگوں میں نہیں ہے تو میں کامن جو نہیں ہوں اسی لیے کامن سینس کو اتنی خاص نہیں سر تو میں آپ سے کچھ سوالیں پوچھتا ہوں اس کا جواب تب دے سکتے ہو کوشش کرتا ہوں جی تو پہلا میرے سوال یہ ہے وہ کون سا چیز ہے جو ہے تو آپ کا لیکن یہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے آپشن دے دو آپشن دینا آپشن یہ ہے نام آپ کا دوسرا آپشن ہے پین اور تیسرا آپشن جو ہے واچ نام ہی تو استعمال باقی چیزیں تو ویسے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں قلم آپ کا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں نام تو آپ کا ٹھیک ہے کریکٹ ہے تو میں دوسرا سوال یہ ہے ایک مرغا ہے ویسے ہے آپ کا آپ کے ہمسائے کے گھر پر گیا اس نے انڈا دے دیا تو وہ انڈا آپ کا ہو گیا یا آپ کے ہمسائے کا ہو گیا مرغا تو انڈا نہیں دے سکتا زبردست تیسرا سوال یہ ہے میرا کہ وہ ایک اور سوال رہتا ہے آخری ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی لکڑی نہیں ہوتی وہ کون سا درخت ہے جس کی لکڑی نہیں ہوتی جس کی لکڑی نہیں ہوتی لکڑی تو خشک ہو کے کوئی تنا خشک ہو کے لکڑی بن جاتی جس کی لکڑی ہے نہیں ہوتی ہے ویسے ہے درخت درخت آپشن دے دو آپشن دے دیجیے ایک کیلے کا ایک تربوز کا ہے بس تربوز کا درخت ہو سکتا ہے تربوز کا درخت ہو سکتا ہے ان کا تنال ہوتا ہے ہمیں یعنی آپشن دے دیا نا آپشن ابھی آپ کے اوپر ہے ایک تربوز کا ہے اگلا اگلا کیلے کا ہے سوری وعلیکم السلام کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو اللہ پاک کا فضل آپ کا نام کیا ہے محمد بختیار تو آپ کا کامن سینس کیسے کام کر رہے الحمد للہ بس کام کر رہے آپ لوگ تو کافی سخت سوال کرتے ہو تو ابھی اللہ خیر کرے آگے سخت تو نہیں کرتے جیسے آپ ڈر رہے ہو نہیں تو پھر بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے آپ جو انسان کو کنفیوز کر دیتے ہو تو سوال پوچھ لو جی جی بالکل پوچھ لیں جی بھائی تو وہ کون سا چیز جو ہے آپ کا لیکن استعمال دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو کافی چیزیں آ جاتی ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے تو فیس بک اکاؤنٹ ہے جیسے لوگ یوز کر رہے ہیں مطلب پروفائل پک دیکھ رہے ہیں کور پک دیکھ رہے ہیں ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہیں دوسرا چیز کیا ہے دوسرا چیز تو ایسے ابھی یوز لیس کپڑے ہم لوگ کپڑے پہن لیتے ہیں انسان کو دے دیتے وہ لوگ بھی یوز کر لیتے اس کو بھی استعمال کہتے ہیں اچھا تو پھر میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مرغا ہے آپ کا
आपके हमसाये के घर पर गए तो उसने अंडा दे दिया, तो वो अंडा आपका हो गया या आपके हमसाये का हो गया? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ मुर्गा अंडा कब देते हैं। ठीक है, सही जी। तो फिर मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन सा दरख्त है, वो कौन सा दरख्त है जिसकी लकड़ी नहीं होती? जिसकी लकड़ी नहीं होती ऐसा दरख्त तो आता ही नहीं है। आता है, क्यों नहीं आता है? तो आप बता दें, मेरे इलम में इजाफा हो जाएगा। अगर मैं बता दें फिर फायदा क्या हो गया? नहीं तो आप बता देना, जब मेरे इलम में नहीं। ऑप्शन दे दो। ऑप्शन आप दे दो। एक केले का, एक तरबूज का। एक तो तरबूज का है ना? केले का, तरबूज का तो दरख्त आता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या हो गया? तो फिर केले को। मेहरबानी, केले का है जी। भाई तो आप संडे का दिन है तो यहाँ पर अनाजील पर आ गए, तो आपने दिन कैसा गुजारा? मेरा तो माशाल्लाह दिन अच्छा गुजर गया, काफ़ी बिजी रहता हूँ। क्या काम करते हो? मैं BDS डॉक्टर हूँ। BDS डॉक्टर हो? तो आप यहाँ पर कैसे आ गए? मैं असल में क्लिनिक में था तो कज़न ले आया कि नफसा नफसी का दौर है, कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा। तो अभी आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। सही बात है। तो इंसान, सब इंसान पैसे के पीछे। सही बात है। तो ये गर्मी कैसे कोई है? गर्मी तो काफ़ी बढ़ गई है आजकल। कराची में ज़्यादा गर्मी या बलूचिस्तान में? तो आज मेरे कराची के किसी फ्रेंड से अलावा हुआ पे, तो आज आपका सेंटीग्रेड 31 चल रहा था, तो बलूचिस्तान का काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। बलूचिस्तान का तकरीबन 38 है, 29। बलूचिस्तान में 38 आ रहा था, पिछले दिनों तकरीबन 46 तक गई थी गर्मी। माशाल्लाह। तो ये है नाजिल में जो आवाज़ चल रही है, कैसा है आपकी हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो? बस मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे जवान हमारे भाई लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको सपोर्ट करें, हम इनकी हौसला अफजाई करें, ना कि इन लोगों पे हम लोग हंसी मजाक करें, हम लोग इनको जितना सपोर्ट कर सकें इन लोगों के फ़ायदे के लिए। ठीक है सर, मेहरबानी जी। ब्रात कैसे आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। तो आपका यहाँ अनाजील पर आना कैसा लगा? पहली बात, हम थोड़ा सा लेट आए थे और लेट का मज़ा ही कुछ और है। लेट का मज़ा ही, आपकी बात, लेट का मज़ा ही कुछ और, लेट का मज़ा ही कुछ और। क्या हवा चल रही है, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में बंदा है। बिल्कुल, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, सूरज जो है ना इख्तिताम पर जा रहा है। अच्छा, एक अलग ही नज़ारा है, अलग ही नज़ारा आपके पास। आज जो गर्मी था दोपहर के टाइम जी, वो गर्मी का देख लो, अभी हवा का देख लो जी, कितना फर्क है। बहुत ज्यादा। कितना फर्क है? बहुत ज्यादा। तो ऐसा हवा आपने कभी देखा है? नहीं। इस गर्मी में? नहीं, बलूचिस्तान में? नहीं नहीं। तो ये हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हो? बस यही बताऊंगा कि एक बार आकर यहाँ पर शाम के बाद देखें। शाम के टाइम आ जाए, इस टाइम? हाँ इस टाइम, इस टाइम आ जाए, अपने फैमिली के साथ आ जाए या दोस्तों के साथ आ जाए। 7:30 का टाइम है। इसी तरह ना बाबा, तकरीबन 8 हो रहे हैं, तकरीबन 8 बजे हो रहे। तो यहाँ पर आ जाए, या अपने दोस्तों के साथ आ जाए, या खुद आ जाए, तो यहाँ पर बैठ कर इंजॉय करें। हम लोगों ने तो माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय किया, आप लोग भी आ जाए इंजॉय करें। यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ जी। एक मकसद मतलब ऐसा मकसद बनाओ ना कि कल के दिन कोई आपको एक अच्छे नाम से पहचाने, कि कल के दिन कोई आपको ऐसे शख्सियत से पहचाने कि था नाम सुना था। ऐसा अपने ज़िंदगी का ऐसा मकसद बनाओ जो कि आप लोगों को कोई पहचाने। ऐसा ज़िंदगी का एक ऐसा मकसद ना बनाओ ना, ऐसा ज़िंदगी गुजारो कि आपको ना कोई पहचाने, बस फालतू ज़िंदगी आ गए, बस मर गए, ये माना नहीं रखता। ज़िंदगी का जब जीना है तो अल्लाह पाक ने तो हमें यहाँ पर भेजा है। किस लिए भेजा है? यहाँ पर हम लोग को इसलिए भेजा है कि हम लोग यहाँ पर आ जाए, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाए, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को वक्त दें, प्यार बांटें, इंजॉय करें, आजकल एक दूसरे को खुश रखें। आज बात कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को यूज़ बहुत कम करें, कोशिश करें कि रियल लाइफ में आए, देखें। ये वीडियोस में जो लोग देखते हैं उसका मज़ा वो नहीं है। जैसे भाई, जैसे मेरे भाई इब्रार बोल रहे कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं दर हकीकत। ये बात सही है, मैं एडिटिंग होती है सारी, ये सारी एडिटिंग है आपकी बात। ठीक है, ओरिजिनल में आए, देखे नेचर को, देखे नेचर को एक्सप्लोर करे जी। तो और कुछ कहना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को? बस यही कहूँगा कि फिरका परस्ती से दूर रहें ज़रा। अच्छा, और कुछ? बस यही। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो लाइक करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। तो इंशाल्लाह ऐसे वैसे वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। अगर नहीं किया फिर तुम्हारा खैर नहीं है। ठीक है, धमकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद।
پائندہ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا اپنا فیملی کا بھی بہت سارا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کچھ نئے انداز کے ساتھ ٹھیک ہے فی امان اللہ ان اللہ حافظ